think that's the video. हेलो, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का? द ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। द ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स को बोलते हैं बॉडी पार्ट को, तो इंडियन गवर्नमेंट को बॉडी मान रहा है, बता रहे हैं तो उनके बॉडी, अगर इंडियन गवर्नमेंट एक बॉडी है तो उनके बॉडी पार्ट्स क्या क्या है, तो उनके पार्ट्स क्या क्या है, यानी गवर्नमेंट के पार्ट्स कहाँ रहे बेसिकली। ठीक है, द लेजिस्लेचर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या मीनिंग होता है लेजिस्लेचर का? एनी आइडिया? नहीं पता। चलो एक हाफ मीनिंग लिखो, आपको पता चल जाएगा बाद में। लेजिस्लेचर के आप मीनिंग लिखो, केवल इतना असेंबली जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। है ना, क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग वो हम अभी देख लेंगे। अभी आप असेंबली रफ मीनिंग लिख लो। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, इसमें वर्ड मीनिंग पहले लिखाऊंगा, बाद में रीड कर लूंगा। ठीक है, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व मैनी एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। इट कलेक्ट्स टैक्स एंड स्पेंड द मनी द सिटीज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इट फॉर्मुलेट्स इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, टेक डिसीजन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन। इफ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दीज डिसीजन और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज, दस अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। A democracy works well when the institutions perform functions assigned to them. ठीक है, और भी पढ़ते हैं जरा, फिर हम आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, सर ये कुछ लेजर जैसे जैसे नाम आगे तो चैप्टर को भी लिखा हुआ था आगे, ये पढ़ लेंगे तो हम वर्ड मीनिंग को मार्क कर रहे हैं केवल, है ना। The union government works through its three main organs। ओहो, ऑर्गन से कुछ बात आ गई, सर पढ़ा कुछ नहीं अभी तक लेकिन थोड़ा समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर एक तरह का क्या, लेजिस्लेचर का एक तरह का ऑर्गन है, लेजिस्लेचर का एक तरह का ऑर्गन है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द जुडिशियरी, तीन ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इसको एग्जीक्यूटिव बोलो या एग्जीक्यूटिव बोलो, बात एक ही है कि एग्जीक्यूटिव भी एक प्रोनाउंसिएशन है और एग्जीक्यूटिव भी एक प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इनमें से किसी को मुझे मीनिंग बताने नहीं है क्योंकि तो बॉडी के नेम है। इट लार्ज लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल विद द पावर टू इनएक्ट लॉज फॉर द कंट्री। बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। अब
अभी ये लेजिस्लेचर के अंदर ही बताया, दिस ऑर्गन कैन चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इफ नेसेसरी। चेंज और अमेंड एक ही बात है, ठीक है। द लेजिस्लेचर कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। न्यू नो न्यू टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द लेजिस्लेचर्स परमिशन। इट ऑल्सो सेंक्शंस ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ रहे, अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, बस वर्ड नहीं दे रहे, कैसे वर्ड नहीं हमें नोट करने। द एग्जीक्यूटिव इट इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट लॉज और पॉलिसीज पास इन द लेजिस्लेचर। इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स down to the lowest clerk. The executive looks after the administration of the country and carries out the law. Okay. So last one is our judiciary. All the courts at different level in the country put together are called the judiciary. Okay. It is that branch of the government that administers justice. The main functions at the judiciary are to interpret the laws and to protect the fundamental rights of the citizens. ठीक है, फिर अभी बात करें लेजिस्लेचर के द्वारा से। अभी बात करें लेजिस्लेचर के द्वारा से, लेजिस्लेचर में कह रहा पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर में बात करें पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और संसद, इसको हिंदी में बोलते संसद भवन, इज द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। फेडरल का मीनिंग क्या होता है ये पता नहीं होगा, सुप्रीम का तो पता होगा, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। It consists of the office of the President of India and क्या लिखा हुआ है ये, अगर टू करके जो भी लिखा हो पढ़ लेना, टू सीट्स टू हाउस जो भी लिखा हो, ठीक है। द लोअर हाउस नोन एज लोकसभा एंड द अपर हाउस नोन एज द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा से स्टार्टिंग हो रही है, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन दिस हाउस लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजंस और फेडरल यूनिट्स। कंपोजिशन द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 मेंबर्स दो एट प्रेजेंट इट हैज 245 सीट्स। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, फर्स्ट द इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेकंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में बात करें, देर आर 238 इलेक्टेड मेंबर्स हु रिप्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये बेसिकली पूरे का नाम एक, इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का नाम दिल्ली ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 में, हाँ नॉमिनेट का मीनिंग लिख लेना, नॉमिनेट का अगर आपको नहीं पता हो तो। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। दिस आर एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट लिखो, फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस। दे आर नॉमिनेटेड फॉर 6 ईयर्स विद अ प्रोविजन दैट वन थर्ड शैल रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। Actually, these nominations are made by the President on the advice and recommendations of the Prime Minister. Elections of the Rajya Sabha. The representatives of the states in the members are elected by the members of the Legislative Assembly, that is the lower house of that state, by means of proportional representation through the single transferable vote system. Proportional ka meaning bata dunga aapko, ye note kar lena. The Rajya Sabha at present actually consists of 245 members, of which 233 are elected and 12 are nominated by the president. ठीक है, क्वालिफिकेशंस फॉर द राज्यसभा, क्वालिफिकेशंस फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर्स। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ कैंडिडेट मस्ट पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ठीक है।
और जिसका मीनिंग नहीं पता हो तो लिख लेना। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव 30 इयर्स ऑफ एज और अबव, हैव सच अदर क्वालिफिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ईच मेंबर हैज अ टर्म ऑफ 6 इयर्स, वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स, एंड द इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू फिल द वैकेंसीज कॉल्ड बाय द रिटायरमेंट ऑफ वन थर्ड। वैकेंसीज का मीनिंग लिख लेना। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग का मीनिंग लिख लेना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही प्रेजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ओवर इट्स मीटिंग बट हैज नो राइट टू वोट ऑन एनी इशू डिस्कस इन द हाउस, ही कैन हाउएवर एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। वर्किंग पैटर्न ऑफ राज्यसभा, द सेशन ऑफ राज्यसभा इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्वाइस अ ईयर विद द गैप ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन द टू सेशंस। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो कॉल अ स्पेशल सेशन ऑफ राज्यसभा, इट फंक्शंस थ्रू अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड अ नंबर ऑफ कमिटीज सिंगली और जॉइंटली विद द लोकसभा। कोरम ऑफ द राज्यसभा, कोरम का मीनिंग लिख लेना। दोस्तों कोरम की पूरी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। आप द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द कोरम। द कोरम ऑफ राज्यसभा इज द प्रेजेंस ऑफ द 1/10 ऑफ इट्स मेंबर्स, 25 राज्यसभा मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग और सेशन ऑफ द राज्यसभा कैन बी हेल्ड। सैलरी अलाउंसेस MPs लोकल एज डेवलपमेंट स्कीम, अलाउंस का मीनिंग इसी ना, ठीक है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ड्रॉ अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 एंड अ डेली सैलरी अलाउंस ऑफ 2,000 ड्यूरिंग द सेशन। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अकोमोडेशन इन दिल्ली, अकोमोडेशन का मीनिंग लिख लेना। In Delhi, free table throughout India and free burn left 50,000 local cost in an year along with the pension of 8,000. Pension का meaning लिख लेना। Under the member of parliament's local area development scheme, a member of Rajya Sabha can spend annually up to 5 crore rupees in a state of which he is a representative in consultation with the district magistrate. अब वो Rajya Sabha की बात हो गई, अभी Lok Sabha की बात हो रही है। समझेंगे सारा बाद में, हम वर्ड मीनिंग नोट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में वर्ड मीनिंग की वजह से रुकना ना पड़े। द लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस और द पॉपुलर हाउस। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, द लोकसभा इज कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस and envisaged by the constitution is now 552, जिसमें से 530 members तो state को represent करते हैं, 20 members union territories को represent करते हैं, not more than 20 members of Anglo Indian community to be nominated by president, something क्या meaning है इसका। If in his opinion that community is not adequately represented in the house, the Lok Sabha present consists of 545 members. These 530 members are directly elected from the states and 30 from union territories, while 2 are nominated by president to represent the Anglo-Indian community. ठीक है? Franchise and election. पता नहीं ये आपने पहले पढ़ा था कि Lok Sabha को हम क्या बोलते हैं? इसमें सिस्टर बताओ उसको हम बोलते हैं Universal Adult Franchise. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बट Lok Sabha is directly elected on the basis of Universal Adult Franchise. इसका मीनिंग से लिखा तो इसका मीनिंग मैं लिखाऊंगा, इसका मीनिंग से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 इयर्स ऑफ एज कैन बी अ वोटर टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ही पजेस दिस राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ग्रेड है ना, इन बुक को डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर नहीं होगा, ठीक है, बाद में समझेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा मेंबर कोई वर्ड है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू चूजन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन
25 years possessing such other qualification as may fixed by the law of parliament, registered as a voter in any of parliamentary constituencies. Disqualification क्या है, होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एट द सेंटर ऑफ स्टेट. अनसाउंड माइंड है ये, देखो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट ये लिख लेना. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो पता ही होगा, ऑफेंडर मतलब गलती करने वाला, क्रिमिनल बोल सकते हैं इसको हम. टर्म ऑफ लोकसभा, टर्म ऑफ लोकसभा 5 ईयर्स, बट इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर. डिजॉल्व मतलब देख लेंगे. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज हैपेंड विद द 11th, 12th एंड 13th लोकसभा विच वर डिजॉल्व ऑन 4th दिसंबर 1997. 26th अप्रैल, ठीक है छोड़ें उसको. ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट्स ओन टर्म बाय 1 ईयर एट अ टाइम. द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट. लीडर ऑफ द हाउस कैपेसिटी स्पेशल सीट ट्रेजरी बेंचेस. लीडर ऑफ अपोजिशन, द लीडर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द हाउस इज रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड द पार्टी हैज एट लीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. अब पहले इतनी बड़ी में नोट कर लेते हैं, बाद में बाकी देखेंगे. गवर्निंग लिखो उसका मीनिंग. कंट्रोलिंग, गवर्निंग का मतलब है कंट्रोलिंग. आपको किसी कंट्री को कंट्रोल करना है, रन करना है, एडमिनिस्टर करना है, लिखो उसका कंट्रोलिंग, रनिंग, एडमिनिस्ट्रिंग, कुछ भी लिख लो, तीनों ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है. गवर्निंग का मतलब कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, रनिंग, एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है कुछ भी, मतलब तो चलाना. गवर्निंग मतलब क्या, किस चीज़ को चलाना, ठीक है, कंट्री को चलाने की बात हो रही है यहाँ पे. फॉर्मेट मतलब को बनाना, फॉर्मेट मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है. इम्प्लीमेंट मतलब अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अप्लाई करना. ठीक है, गो अबाउट, गो अबाउट एक वर्ड पूरा एक ही वर्ड है ना. गो अबाउट का मीनिंग होता है ट्राई करना, ट्राई. गो अबाउट का मीनिंग क्या होता है, ट्राई करना, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव्स लिखो. पीपल हु रिप्रेजेंट समथिंग और संबल. ऐसे लोग जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोग जो किसी चीज को किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है. पीपल हु रिप्रेजेंट समथिंग और समवन, है ना. इनेक्ट, इनेक्ट मतलब होता है लागू करना, इनेक्ट मतलब होता है लागू करना. लेवी, लेवी मतलब होता है इम्पोज करना, लेवी मतलब होता है इम्पोज करना. लेवड लिखा, लेवड, लेवड मतलब लगाना, इम्पोज करना, कि हम आपको कुछ भी चीज इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी चीज आपको रूल से नहीं लगा सकते, तो लेवी मतलब लगाना, इम्पोज करना, IMPOSE, है ना.
सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी देना, सैंक्शन मतलब क्या होता है मंजूरी देना, यानी कि आप हिंदी में सकते हो एक्सेप्टेंस। ठीक है, सैंक्शन मतलब कहता है मंजूरी देना, है ना, अपने एक्सेप्टेंस देना। आप उसको अप्रूवल लिख सकते हो, अप्रूवल आप चाहते हो उसको अप्रूवल लिख लो, सैंक्शंस मीन्स अप्रूवल। ठीक है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब मीनिंग निकालना, मीनिंग निकालना। हिंदी में ऐसे लिख लो, इंग्लिश में बोलूंगा तो आएगा डिराइव द मीनिंग, तो डिराइव द मीनिंग तो आपको पता ही नहीं होगा डिराइव का मीनिंग क्या होता है। डेराइव, DERIVE, डेराइव, तो वो मतलब हिंदी में लिख लो मीनिंग निकालना। फेडरल लिखो, फेडरल मतलब जॉइंट, जुड़ा हुआ। फेडरल मतलब क्या होता है, जॉइंट। ठीक है, फिर आपको क्या है यहाँ पे, नॉमिनेट और एमिनेंट दोनों वर्ड नोट कर लो, नोट तो कर ही होंगे आपने सभी उसी टाइम पे, है ना। नॉमिनेट, अब मैं नॉमिनेट कह सकता हूँ आपको, नॉमिनेट अपॉइंट लिख लो इसके पे आप। नॉमिनेट मतलब क्या था, अपॉइंट करना। ठीक है, एमिनेंट लिखो, एमिनेंट मतलब फेमस। ठीक है, अब आपका वर्ड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मैं प्रोपोर्शनल को मैं अब कैसे लिख पाऊँ, लिख लो अकॉर्डिंग टू रेशो, अकॉर्डिंग टू रेशो, है ना, अकॉर्डिंग टू रेशो। वो मैं समझा दूंगा कैलकुलेशन करके आपको सब समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कल। अभी आप देखो अकॉर्डिंग टू रेशियोज है ना, अकॉर्डिंग टू रेशियोज है ना, पजेस मतलब होता है रखना, पजेस मतलब होता है रखना। रखना है, ठीक है, रखने को आप क्या लिख सकते हो, तो रखने को आप क्या लिख सकते हो, होल्ड लिख लो, होल्ड। ठीक है, वैकेंसी लिखो, खाली जगह, एम्प्टी पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन, जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं वैकेंसी। खाली जगहों को क्या बोलते हैं, वैकेंसीज, एम्प्टी पोजीशन।
प्रेजाइडिंग ऑफिसर का मतलब लिख लो एडिशनल, प्रेजाइडिंग का मतलब लिख लो एडिशनल, अभी हाल फिलहाल एडिशनल एक्स्ट्रा, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा है ना। कोरम को छोड़ देना, अलाउंसेस का मीनिंग, अलाउंसेस मतलब बेनिफिट, अलाउंसेस मतलब बेनिफिट है ना। अकोमोडेटिंग लिखो, सेकंड अपना। अकोमोडेट लिख लो, मैं आपको कैसे लिखूँ इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है दे आर ऑल्सो अकोमोडेटिंग दिल्ली, अकोमोडेट का मतलब होता है फ्री सर्विसेज लेना, फ्री सर्विसेज लिख लो, फ्री सर्विसेज, फ्री सर्विसेज यानी एक पेंशन का, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ये वाला पेंडिंग है हमारा। सफरेज लिखो, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज, ये जो फ्रेंचाइज लिखा होगा ये वाला फ्रेंचाइज, इसका मीनिंग है ना। अब फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है? एनफिसिस लिखो, रेफर, रेफर करना, रेफर्ड, एंट्री सेल्स जो मतलब क्या, रेफर्ड, आर ई एफ ई डबल आर ई डी, आर ई एफ ई डबल आर ई डी है ना, रेफर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद में बताऊंगा। अनसाउंड माइंड लिखो, अनसाउंड माइंड मतलब होता है इसका मतलब ना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, आपने जहाँ पे भी लिखा है ना इसका, वहाँ पे है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पर्सन हु हैज मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन हु हैज मेंटल डिसेबिलिटी, सर ऐसा था जिसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, जिसको ब्रेन ब्रेन लेवल पर क्या कोई प्रॉब्लम हो है ना, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड है ना। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का मीनिंग बाद में बताऊंगा, ये पेंडिंग है आपका। प्रोक्लेम्ड का मीनिंग इसको डिक्लेयर्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करना। ठीक है, डिजॉल्व मतलब होता है खत्म
खत्म कर देना, मीटिंग को खत्म कर देना। इसको आप कैसे लिखोगे रिजल्ट को अगर मैं आपके पास खत्म चाहूँ तो? भंग लिख लो, भंग नहीं, भंग तो पता ही नहीं होगा। कैंसिल लिख लो, कैंसिल है ना, इसका निकल लो, कैंसिल है ना, कैंसिल। अभी जा लो 7 बजे है ना, डिसॉल्व है ना, मतलब कैंसिल, ठीक कैंसिल। बस नहीं था इसमें ये सारी वर्ड मीनिंग जो तो बताए हैं ये तो याद करके रख लिया, इसलिए मैंने आधा घंटा सब्जेस्ट किया मैंने अपना, केवल रिकॉर्ड लिखवाने में था कि याद करके रखो, जो मैं पढ़ाऊंगा तब जो रिमेनिंग रहेंगे बस वही बताऊंगा, ये वाले वर्ड मीनिंग दोबारा से नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो याद करके रखना नेक्स्ट क्लास लेने से पहले, आपके टेस्ट चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है वो अलग चीज़ है, ये वर्ड मीनिंग आपके याद होते रहने चाहिए, ठीक है। 15 मिनट निकालोगे दिन में अगर एक बार तो 15 मिनट में याद हो जाएंगे ये, 15 मिनट में एक दिन में याद करना, और नेक्स्ट डे जब क्लास में बैठो तो 5 मिनट वाले रिवाइज कर लेना, हो जाएंगे आपको याद, ठीक है।